हाय एवरीवन, होप एवरीथिंग इज़ वेल। तो हम लोग कवर कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन का, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 3 तक कवर कर लिया है। आज के वीडियो में पार्ट 4 नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इसमें हम लोग कवर करेंगे अदर कुछ रिसेंट पॉलिसीज़ हैं, उसको किस तरह से इसमें लिया गया है इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्सट में, उस चीज़ को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड तक शेयर कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट, और आप ये सारे पार्ट 3 पार्ट 4 को प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं वन बाई वन, ठीक है। तो हम लोग का आज नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा है, तो पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि ये है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो इसमें क्या है, किस कंटेक्स्ट में ये आया है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे भी ये कोविड-19 का पेंडेमिक हुआ, उसके बाद से ग्लोबल लेवल पे, कंट्री लेवल पे कहीं ना कहीं हर चीज़ में इफेक्ट देखने को मिला है। तो यहाँ पे बात कर रहा है ट्रेड का, तो पोस्ट पेंडेमिक में इंडिया का जो ट्रेड है नेबरिंग कंट्री से, वो सर्टेनली फॉल किया है। ये दिखाया जा रहा है 3% से फॉल कर गया, ठीक है, साउथ एशियन नेबर्स में। तो इस कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है, ठीक है। और ये पाया गया है कि 10 साल में ये सबसे कम हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा फॉल कर गया है, सबसे कम ट्रेड इनके बीच में देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे, ये बताया जा रहा है कि 2021-22 के डेटा के अनुसार इंडियाज़ का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर मार्केट रीजन जो है ये बांग्लादेश देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बांग्लादेश जो है ये इस ट्रेड में इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके बाद नेपाल है एंड श्रीलंका है, ठीक है। चाइना का ओवरऑल ट्रेड का बात करते हैं, तो ये जो साउथ एशियन नेबरिंग कंट्री है उनके साथ 65% का एक होता है, एक तरह से इसका मार्केट है, ट्रेड होता है, जो कि इंडिया से हाईएस्ट है, ठीक है। तो इस कारण से ही ये यहाँ पे हम लोग इतना समझने को मिलता है। और फिर इस रीजन्स का बात करते हैं कि क्यों ऐसा लो ट्रेड देखने को मिला। तो कुछ ऐसे रीजन होते हैं जैसे कि पैरा टैरिफ हो गया, और पैरा टैरिफ में इट मीन्स कि जो भी ऐसे बॉर्डरिंग कंट्री लगे होते हैं, तो उससे अगर गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक एक से दूसरे कंट्री में, तो वहाँ पे बॉर्डर चार्ज देना पड़ता है, फीस देना पड़ता है, तो उसके कारण से भी कि क्यों ही ऐसा करें, तो उसको लेकर के भी ये देखने को मिला है कि लो ट्रेड का रीज़न बना है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्बसन्स रूल्स, ठीक है, हाईएस्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट हो गया, तो ये सारे चीज़ बन जाता है। कोविड-19 पेंडेमिक का बात करते हैं, तो लेटेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला कुछ कंट्रीज़ में, जो कि श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो ये सारे कंट्रीज जो हैं कुछ कुछ ये सफ़र किए हैं ज़्यादातर। अगर हम लोग बात करते हैं इंडियाज़ का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमेशा से रहा है, और इसका कुछ बेसिस है जिसपे कि कुछ प्रिंसिपल हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं सम्मान, ठीक है, रिस्पेक्ट हो गया, संवाद डायलॉग हो गया, शांति पीस एंड समृद्धि प्रोस्पेरिटी, और साथ ही साथ संस्कृति कल्चर। तो इस पर ज़्यादातर एज अ फैमिली, मतलब बोला जाता है ना कि वसुधैव कुटुंबकम, तो उस प्रिंसिपल के बेस्ड पे इंडिया का हमेशा से ये रहा है अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में। और ये जो है इसका रिलेशंस बेस्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसल्टेटिव, ठीक है, और नॉन रेसिप्रोकल आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच। तो इस बेसिस पे ये इंडिया का नेबरहुड तो इतना प्री के पॉइंट से ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अब हम लोग देखते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपको पता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये चाइना का एक तरह से हाईएस्ट और लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस्ड पे। तो ये चीज़ यहाँ से हम लोग समझते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहने का कारण है कि 10th एनिवर्सरी मनाया गया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये 2013 में लाया गया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो आफ्टर ये 10 साल हो गए, तो 23 में ये 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। और ये जो है अभी एक और इसमें खास बात जानने का ये है कि इटली यहाँ से एक विद्रोह कर गया है, ठीक है, क्योंकि ये G7 का केवल और केवल इटली ही ऐसा देश था जो कि इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया था, जो कि हाल ही 2023 में यहाँ से बाहर निकल गया, विदड्रॉ कर गया, ठीक। अब देखते हैं कुछ BRI के बारे में। तो ये चाइना लेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया गया था 2013 में, एंड ये कनेक्ट करता है एशिया विद अफ्रीका, यूरोप, और वाया लैंड एंड मेरीटाइम। तो इसमें लैंड एंड मेरीटाइम दोनों नेटवर्क शामिल है। इसका मेन एम है, एक मिनट, इसका मेन एम है रीजनल इंटीग्रेशन को इम्प्रूव करना, ठीक है, और ट्रेड को इम्प्रूव करना, ठीक है, और उसी तरह से है इकोनॉमिक ग्रोथ को एक स्टिमुलेट करना। बेसिकली क्या है कि ऐसा तो पॉजिटिव पॉजिटिव बातें लिखा गया है, बट कहीं ना कहीं चाइना के एक तरह से इंटेंशन रहता है कि जो भी ऐसे नेबरिंग कंट्री हैं और ख़ास करके इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो उसको घेरना, ठीक है। तो ये भी यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये लॉन्च किया गया था 2015 में, और ये पार्ट है BRI का है, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। इसका अगर लेंथ का बात करते हैं CPEC का, तो ये 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट है, और ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रोजेक्ट का पार्ट हो जाता है, जो कि ये कनेक्ट करता है चाइना के नॉर्थ वेस्ट जिनजियांग और ये ऑटोनोमस रीजन से, जिनजियांग उगर ऑटोनोमस रीजन से कनेक्ट करता है, और साथ ही साथ ये ग्वादर फोर्ट जो पाकिस्तान में देखने को मिलेगा वहाँ से कनेक्ट करता है वेस्टर्न पाकिस्तान प्रोविंस बलोचिस्तान में। तो ये पास करता है इंडियन टेरिटरीज ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान से। तो ये जो गिलगित बाल्टिस्तान है यहाँ से कनेक्ट पास होता है, इसी को लेकर के एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका इंटेंशन है कि इंडिया को घेरना, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं, इसका एफर्ट टू काउंटर BRI, ठीक है। तो इंडिया भी अलग से एफर्ट लगाया है इस BRI को काउंटर करने के लिए, तो अलग अलग लॉन्च किए गए हैं अलग अलग बिग कंट्री के द्वारा। तो इसमें है कि अ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये G7 कंट्रीज़ के द्वारा लाया गया है BRI को काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो इसमें G7 कंट्रीज शामिल हैं, और हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी इसको अच्छे से डिटेल से देखा था। तो ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट जो है, ये है रीपैकेज्ड वर्जन ऑफ बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है। ये V3W जो है ये G7 का इनिशिएटिव था, इसी के बेसिस पे इसको फिर से एक बोल सकते हैं कि न्यू वर्जन, एज अ फॉर्म ऑफ न्यू वर्जन इसको लाया गया है, ताकि इस BRI प्रोजेक्ट को काउंटर किया जा सके। एक है ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव जो कि यूरोपियन यूनियन का है, इसमें 300 बिलियंस यूरो का बात किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्लान का। तो ये भी एक तरह से काउंटर करने का एक आइडिया और इनिशिएटिव है। इंडियाज़ का एफर्ट क्या है इसमें, ठीक है, BRI के काउंटर करने में। तो ये इंडिया ने प्रपोज किया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, अभी रिसेंटली किया है, तो उसको भी हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, और कहीं ना कहीं ये हाईलाइटेड हो जाता है। और ये किया था ड्यूरिंग द रिसेंट G20 समिट, तो इसी में ये लॉन्च किया गया IME से, ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है इंडिया टू मिडिल ईस्ट एंड साथ ही साथ रसिया को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भी ऐसे कॉरिडोर हैं, क्योंकि पूछा गया है 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है कॉरिडोर से अभी तक, या फिर सीप का बात करते हैं, वाटरवेज का बात करते हैं, या फिर कोई भी ऐसे रोड प्रोजेक्ट से लेकर के, तो पूछा गया है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट और रसिया को कनेक्ट करता है INSTC। अब नेक्स्ट है, अभी देखिए, अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं, INSTC, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। उसी तरह से आगे भी हम लोग देखेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसमें ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो आप यहाँ से देखिएगा कि मुंबई है, ठीक है, और यहाँ से ये बंदर आबाज, ये एयरपोर्ट जो है ईरान में देखने को मिलेगा, फिर इसके बाद बाकूस जाएगा और अस्त्रखान, ठीक है, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ये इसी तरह से है। फिर आपको ये मेडिटेरेनियन सी से होते हुए फिर उसी तरह से रेड सी एंड आपको यहाँ पे फिर आ जाता है इंडियन ओशियन होते हुए मुंबई में ये कनेक्ट करता है। तो यहाँ से ये हम लोगों ने अच्छे से देखा। अब देखते हैं इसको, इसके डिटेल INSTC का। तो हियर INST में इंडिया एंड ईरान का एक लॉन्ग टर्म कोलेबरेटिव वेंचर देखने को मिला है इस INST को लेकर के, ठीक है। INST का बात करते हैं, INSTC, ये 7200 किलोमीटर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, ठीक है, जो कि सबसे पहली बार 2000 में इसको इनिशिएट किया गया था बाय द रसिया इंडिया एंड ईरान। ये शुरू से ही है टू प्रमोट ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट। तो इसमें 2000 में ही लाया गया था, ठीक है, तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और इसमें शुरू से ही इंडिया इन्वॉल्व है। अब हम लोग देखते हैं कि INSTC, ठीक है, INSTC कनेक्ट करता है इंडियन ओशियन, पर्शियन गल्फ टू कैस्पियन सी, ठीक है, वाया ईरान एंड इज देन कनेक्ट टू द सेंट पीटर्सबर्ग। ये सारे चीज़ें जो हम लोगों ने अभी देखा मैप में, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको कनेक्ट किया जाता है। करेंटली इट हैज़ 13 मेंबर्स, ये ध्यान रख सकते हैं और कौन कौन सा मेंबर है। आगे हम लोग देखते हैं INSTC सिग्निफिकेंस इसका क्या है इंडिया को लेकर के। तो ये क्या है कि जो भी ऐसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है उसको तो कम हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा रिड्यूस कर जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है ऑलमोस्ट 30% से कम हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स, और ये कट करेगा डाउन ट्रांसपोर्टेशन टाइम, ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम लगेगा। तो ये सारे चीज़ कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। ये रिड्यूस करेगा कैरेज कॉस्ट बिटवीन इंडिया एंड रसिया बाई 30%, ब्रिंग डाउन ट्रांजिट टाइम टू लेस देन 25 डेज कंपेयर टू द 40, पहले 40 दिन लगता था, 25 दिन में ही इस पूरा कर लिया जाएगा। विल हेल्प इंडिया टू गेन स्मूथ एक्सेस इन टू सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन करेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो बहुत ही अच्छा है। और ये अल्सो क्या ये बताया जा रहा है कि इट सेंस एज इंडिया एंसर टू चाइना जो है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर किया जा रहा है इसके थ्रू।
और इंडियाज़ कॉरिडोर टू एनर्जी रिच सेंट्रल एशिया आर्कटिक, ये सारे चीज़ जो भी जहाँ से मंगाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, जो भी ऐसे ऑयल होते हैं, ठीक है, तो ये जो कंट्री हैं उनके साथ कनेक्ट करने में अच्छा रहेगा, एक सुविधा हो जाएगा। अब देखते हैं, कुछ न्यूज़ में है कि नॉर्दर्न सी रूट, ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि रशियन इन टॉक्स विद द इंडिया टू डेवलप नॉर्दर्न सी रूट, तो रसिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट है नॉर्दर्न सी रूट को डेवलप करने में। और ये जो नॉर्दर्न सी रूट है, ठीक है, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट पासिस से, ठीक है, तो ये कनेक्ट करता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशियन एंड लाइज विद इन द रशियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो ये भी ध्यान रखना है, बाकी उतना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये यहाँ पे है 5600 किलोमीटर लॉन्ग रूट है, जो कि बैरेंट सी टू बियरिंग स्ट्रेट में स्ट्रेट देखने को मिलता है। इसका एक्सपेंस का बात करते हैं तो इट एक्सपेंस 4 सीज ऑफ द आर्कटिक ओशियन, जिसमें कि कारा, लापतियु, ये सारे जो है ईस्ट साइबेरियन और चुकची सी, ये इस सी से होकर के गुजरता है, ये जो भी इसके आर्कटिक ओशियन में देखने को मिलते हैं। ये शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट बिटवीन यूरोप एंड कंट्रीज ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन है, जो कि 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेडिशनल रूट थ्रू स्वेज कैनल। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये नया रूट बना है तो टाइम भी रिड्यूस होगा, लेंथ भी रिड्यूस होगा, तो ये सारी चीज़ इसमें बताया गया। अब देखते हैं इंडियाज़ इंगेजमेंट इन एनएसआर, ठीक है, ये क्या है एनएसआर, जो है नॉर्दर्न सी रूट है, ठीक है, तो इसका इंगेजमेंट इंडिया का ये किस तरह से रहा है। तो द चेन्नई व्लादिवोस्तोक मेरीटाइम कॉरिडोर जो है, ये प्रोजेक्ट ऑल्सो नोन एज दी ईएमसी ईस्टर्न मेरीटाइम कॉरिडोर, तो यही इसी का नाम है, जो कि इंडिया एंड रसिया के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है एज अ इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांजिट थ्रू दी एनएसआर, ठीक है, नॉर्दर्न सी रूट। तो इसके कारण से रसिया और इंडिया का एक यहाँ पे रिलेशन दिखाया जा रहा है इसके थ्रू। एंड सीवीएमसी जो है, ये रूट जो है ये पास करता है सी ऑफ जापान से, साउथ चाइना सी से एंड मलक्का स्ट्रेट से, तो ये इतना हम लोग समझ सकते हैं, मतलब अब मैप में भी देख करके ये याद रख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसराइल हमास वार ये क्यों न्यूज़ में रहा है, अच्छा खासा न्यूज़ में चला था, तो यहाँ से लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। इसराइल डिक्लेयर्ड वॉर ऑन पेलेस्टीन मिलिटेंट ग्रुप हमास अंडर दी ऑपरेशन आयरन शॉर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऑपरेशन आयरन शॉर्ट किससे रिलेटेड है। तो ऑपरेशन आयरन शॉर्ट जो है, ये जो वॉर हुआ था ईरान एंड पेलेस्टीन मिलिटेंट ग्रुप हमास के बीच में, तो इसी का नाम दिया गया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, जो कि फॉलो करता है अनप्रेसिडेंटेड अटैक अंडर दी ऑपरेशन तूफान अल, ठीक है, तो अल अक्सा फ्लड, तो ये ध्यान रखना है 2 पॉइंट यहाँ से, ऑपरेशन तूफान अल अस्क, ठीक है, और ये ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, तो यहाँ से ये पॉइंट बनता है। अबाउट द कंट्री इसराइल कैपिटल, इसको एंड इसराइल का जिसका कैपिटल जेरूसलम है, तो इसको हम लोग डिटेल में भी देखते हैं, पहले ये कुछ देख लेते हैं। इसका की इवेंट जो है इसराइल पेलेस्टीन कन्फ्लिक्ट का, तो ये कुछ ऐसे इसके बारे में हिस्ट्री में बताया जा रहा है कि वॉल फॉर डिक्लेरेशन बाय ब्रिटेन 1970, इसका एम था कि ए नेशन होम फॉर द जेविस पीपल इन पेलेस्टीन में इस्टेब्लिश करना। देखिए, एक हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो वेल एक डिक्लेरेशन था बेलफोर डिक्लेरेशन, जो कि ब्रिटेन के द्वारा लाया गया था वो 1917 में, ठीक है, और उसका एक एम था कि जो जो जेविस पीपल हैं फिलिस्तीन में, उसको एक तरह से हो नेशनल होम डिक्लेयर कर देना। तो इसको लेकर के एक अपने आप में एक बहुत बड़ा हमेशा से मुद्दा है, बहुत पुराना मुद्दा है, जो कि इनके एक तरह से एक का होता है कि अपना नेबरहुड और अपने मदरलैंड के लिए फाइट करना, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। एंड 1947 में यूएन वोटेड टू स्प्लिट पेलेस्टीन इंटू सेपरेट जेविस एंड अरब स्टेट, तो जेविस एंड अरब स्टेट को सेपरेट करने के लिए यूएन में वोट हुआ, ये 1947 में देखा गया, और जो कि अरब स्टेट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया इस चीज़ को, ठीक है, और ये जो है इट लेड द डिक्लेरेशन ऑफ द स्टेट ऑफ इसराइल इन 1948 एंड फर्स्ट अरब इसराइली वॉर, ठीक है, तो ये जो रिजेक्ट कर दिया गया, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो डिक्लेरेशन था ये इसराइल को एक तरह से अलग दे दिया गया, ठीक है, अलग स्टेट मिला जो कि 1948 में, और इसी समय फर्स्ट इसराइली वॉर देखा गया इसी लैंड को लेकर के। 1956 में फर्दर ये सेकेंड अरब इसराइली वार देखा गया, जो कि स्वेज वार से भी जाना गया, एंड इसमें इन्वॉल्व थे इसराइल, यूके, फ्रांस ऑन एक साइड में थे ये तीनों मिलकर के, बाकी इजिप्ट इसके अगेंस्ट था, ठीक है, तो जो वार था ये डिक्लाइन किया, डिक्लाइन ऑफ द ब्रिटिश एंड फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन द रीजन, क्योंकि जब तक से ब्रिटिश और फ्रेंच का रहा तो एक तरह से उनको सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन जब वहाँ से हटे ये विद्रोह किए तो फिर ये जो वार है ये डाउन कर गया। और उसी तरह से है, फिर आप यहाँ पे देखिए 1967 में थर्ड अरब इजरायली वार हमेशा से चलते आ रहा है,
और उसके बाद बाकी तो इसमें कुछ खास नहीं है। 1973 में योम कीपुर वार देखने को मिला, इसी से रिलेटेड है 1987 में, तो ये हमारे लिए उतना ज़्यादा मैटर नहीं है। फर्स्ट इंतिफादा, ठीक है, टू रिसिस्ट इसराइली ऑक्यूपेशंस ऑफ गाजा एंड द वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम, इन्हीं को लेकर के ज़्यादा हमेशा से फाइट में रहा है या अपने अपने कंट्री और स्टेट को लेकर के, इनका अलग अलग क्लेम रहता है। द यूएस यू एंड इसराइलिटीज हैव डिक्लेयर हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो टेररिस्ट हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूएस यू एंड इसराइल के थ्रू डिक्लेयर कर दिया गया है। अब देखते हैं हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या। जैसे कि इसमें हम लोग देखेंगे ये मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलता है, ये इसराइल का पार्ट हो गया है सारा का सारा, ठीक है, और यहाँ पे गोलन हाइट देखने को मिलता है जो कि इसराइल के द्वारा ले लिया गया, वैसे बोला जाता था सीरिया का पार्ट है बट इसराइल के द्वारा अभी है इसके अंदर में। यहाँ पे डेड सी देखने को मिलता है एंड यहाँ पे कुछ ये जो गाज़ा पट्टी है इसी को लेकर के इसमें ज़्यादा हमेशा से मुद्दा रहा है, गाज़ा पट्टी एंड जेरूसलम, यहाँ पे अलग अलग इथनिसिटी के लोग रहते हैं तो इसी के लिए हमेशा से फाइट रहा है। ये लैंड बॉर्डर का बात करते हैं तो यहाँ पे ये लैंड बॉर्डर इसराइल का ये जॉर्डन से लगता है, सीरिया से लगता है, लेबनान से लगता है, इजिप्ट से लगता है, ये शायद पूछा गया है आई थिंक, मुझे याद आ रहा है। वाटर बॉडीज़ जो है यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, डेड सी, जॉर्डन रिवर एंड सी ऑफ गलीली, तो ये देखने को मिलता है। फिर है ये 1994 में फिलिस्तीन अथॉरिटी जो कि फाउंडेड इन बाय द ओस्लो एकॉर्ड एज एन इंटरिम बॉडी टू गवर्न पार्ट ऑफ द गाज़ा एंड द वेस्ट बैंक, तो ये ओस्लो एकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो गाज़ा का पार्ट है या वेस्ट बैंक का, तो उसको गवर्न करने के लिए ये फाउंड किया गया फिलिस्तीनियन अथॉरिटी, तो ये 1994 में देखने को मिलता है। इसी तरह से है पीए कंट्रोल्स पार्ट ऑफ द वेस्ट बैंक, तो अभी जो है वेस्ट बैंक का जो है गाज़ा पट्टी का वो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के अंदर में आता है। ओस्लो एकॉर्ड जो है ये साइन किया गया इसराइल एंड फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ के बीच में, जिसका कि मेन उद्देश्य था कि जो भी ऐसे डिकेडल और डिकेट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट हैं उसको ख़त्म करना, ठीक है, और टू स्टेट सोल्यूशन को लाना, लेकिन इसराइल चाहता नहीं है। इसराइल वन स्टेट थ्योरी को मतलब ज़्यादा वो अपने फेवर करना है, तो यहाँ से ये देखने को मिलता है। अदर लैंडमार्क पीस एग्रीमेंट जो है इसराइल और अरब के बीच में, ये पूछा गया है और ये पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें कि जैसे एक है 1978 में कैंप डेविड एकॉर्ड, ठीक है, तो कैंप सीधे सीधे पूछा जाता है किसके किसके बीच में साइन किया गया, तो कैंप डेविड एकॉर्ड ये है इजिप्ट एंड इसराइल के बीच में, ठीक है, जो कि मेडिएटेड किया गया बाई यूएस, जो कि एक तरह से हिस्टोरिक पीस ट्रीटी बिटवीन इसराइल एंड इजिप्ट देखने को मिलता है। तो कैंप डेविड एकॉर्ड जो है इसराइल एंड इजिप्ट के पीस एकॉर्ड से रिलेटेड है। एंड दी नेक्स्ट है जॉर्डन इसराइल पीस ट्रीटी, ये 1994 में लाया गया और इसके अंदर देखा गया कि जॉर्डन जो है ये बिकम द सेकेंड अरब कंट्री आफ्टर इजिप्ट टू मेक द पीस विद द इसराइल, तो फर्स्ट इजिप्ट बना, फिर सेकेंड जो ट्रीटी हुआ पीस ट्रीटी 1994 में ये फर्दर जॉर्डन के द्वारा हुआ, तो जॉर्डन सेकेंड बन जाता है इसराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन करने वाला। अरब पीस इनिशिएटिव 2002 का बात करते हैं, ठीक है, तो ये लाया गया सऊदी अरेबिया के द्वारा एंड द इनिशिएटिव ऑफर्ड बाय द इसराइल नॉर्मलाइज रिलेशन इन एक्सचेंज फॉर पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, तो इसको इस चीज़ को एक तरह से कूल डाउन करने के लिए अलग अलग एग्रीमेंट और अलग अलग इनिशिएटिव लिए गए हैं बट अभी तक नहीं हो पाया है। और इसी तरह से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से ये है क्योंकि जो करेंट में रहता है उससे ज़्यादा पूछा जाता है, और ये जो अब्राहम अकॉर्ड है ये पूछा गया है 2020 में हुआ था, तो अब्राहम अकॉर्ड से बनता है। तो ये अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली है कलेक्टिव एग्रीमेंट है ये यूएस, ठीक है, यूएई एंड इसराइल के बीच में देखने को मिलता है और ये साइन किया गया था 2020 में, तो इसमें तीन इन्वॉल्व हैं यूएई, यूएस एंड इसराइल, और ये जो एकॉर्ड है ये लेटर एक्सटेंड किया गया फर्दर कंट्री में और भी कंट्रीज ने इसको साइन किया, जैसे कि सूडान हो गया, बहरीन हो गया एंड मोरक्को हो गया। सूडान इज़ यट टू साइन एन एग्रीमेंट विद इसराइल, ठीक है, तो अभी भी इनको बाकी है और ये साइन करेंगे, तो ये तीनों है ये इस एकॉर्ड में शामिल है। इट मार्क द फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज बिटवीन इसराइल एंड अरब कंट्री, तो अब्राहम अकॉर्ड का काम ही था पीस को मेंटेन करना, और ये अकॉर्ड जो है कॉल फॉर द अब्राहम अकॉर्ड, इसका अब्राहम अकॉर्ड नाम दिया गया, और जिसमें कि अ मेजर मोनोथिस्टिक रीजन है, तीन मेजर मोनोथिस्टिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पे इसी कारण से है कि इसमें इस्लाम देखने को मिलेगा, क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगा एंड जुदाइज्म देखने को मिलेगा। ऑल ऑफ दियर रूट जो है ये सारे का सारा इनका जो रूट एक तरह से बोला जाता है कि प्रोफेट अब्राहम से रिलेटेड है, इस कारण से अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया ताकि पीस ट्रीटी मेंटेन किया जा सके। इजिप्ट जो है ये फर्स्ट अरब स्टेट है जो कि पीस डील हुआ विद द इसराइल इन 1979, और पहला था, फिर सेकंड जॉर्डन देखने को मिलेगा, तो इस तरह से समझ सकते हैं। प्रेजेंटली ओनली फाइव अरब स्टेट्स जो हैं इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, बहरीन एंड
मोरक्को जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इसराइल को एक मेंटेन कर पाया है। इंडिया स्टैंड्स ऑन इसराइल एंड फिलिस्तीन, इंडिया का क्या रोल रहा है इस बीच में, हमेशा से एब्सटेन करते हैं है वोटिंग में, तो देखते हैं। इंडिया कंट्री टू सपोर्ट टू स्टेट सोल्यूशन, और इंडिया भी जो है ये टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करते आया है और हमेशा से। और एट द यूएन इंडिया वोटेड अगेंस्ट द पार्टीशन प्लान फॉर द फिलिस्तीन एंड इसराइल्स एडमिशन टू द यूएन। तो इसमें यही है कि मतलब जो इसके अगेंस्ट में पार्टीशंस के अगेंस्ट में साइन किया, ठीक है, यूएन में इंडिया का वोटेड रहा, क्योंकि ये एक मुद्दा हो जाता पर्सनल जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के, तो ये थोड़ा सा एक डिप्लोमेटिक मैटर है। तो इंडिया फॉर्मली रिकोगनाइज किया इसराइल इन 1950 एंड इस्टेब्लिश किया फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इट इन 1992, तो ये भी है। एंड 2017 में बात करते हो, इंडिया फॉलो किया डी हाइफिनेशन पॉलिसी, ठीक है, तो डी हाइफिनेशन पॉलिसी को फॉलो किया गया ये इंडिया ने, एंड इंडिपेंडेंस रिलेशंस विद द बोथ इसराइल एंड फिलिस्तीन। तो ये एक तरह से मिडिल पाथ हमेशा से चूज़ किया है इंडिया इसको, इस मुद्दे को लेकर के। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का बात करते हैं, तो ये कुछ ऑपरेशंस रहते हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ऑपरेशन अजय जो है और भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये लॉन्च किया गया इंडिया, इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन अजय, जिसमें कि ऐसे 18,000 इंडियन सिटीजन थे जो कि इसराइल में फंसे हुए थे, और जब ये वॉर स्टार्ट हुआ तो उन लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए ये ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं योम किपुर वार, ठीक है, तो योम किपुर वार किससे रिलेटेड है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसे पूछा जाता है जनरली। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो ये जो योम किपुर वार है, योम किपुर वार, तो ये इस कारण से रहा कि ये 50th एनिवर्सरी हो गया, ठीक है, जब इन्होंने हमास ने अटैक किया इसराइल पे, उसके साथ ये कॉइंसाइड किया, इस कारण से न्यूज में होता है। क्योंकि आपको बता दें कि ये 1973 में ये योम किपुर वार देखने को मिला, और ये अटैक किया गया था इजिप्ट एंड सीरिया के थ्रू, ठीक है, इजिप्ट एंड सीरिया के थ्रू इस पे इसराइल पे अटैक किया गया था, और ये किया गया था तो 2023 में ये हुआ, तो इस तरह से 50 ईयर्स हो जाता है, तो दोनों एक साथ कंसाइड हुआ ऐसे इसमें दिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ इसमें ये था कि 1973 अक्टूबर में ये कोलिशन ऑफ अरब नेशन, तो जिसमें कि इजिप्ट एंड सीरिया जिन्होंने कि एक अटैक इस पे लॉन्च कर दिया, ठीक है, इसराइल पे, जिसको कि योम किपुर वार बोला गया, और ये एक तरह से इस जो जीविस होली डे से भी जाना जाता था, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे था कि इनको इन पे अटैक हुआ, इस कारण से ये हो जाता है। और इसका बेसिकली अटैक करने का पर्पस था कि इजिप्ट एंड सीरिया जो थे वो एक तरह से जो इसराइल के द्वारा जो टेरिटरी अडॉप्ट कर लिया गया था, और जो जिसमें कि 6 डे वॉर में जो हुआ था 1967 में, तो उसको फिर से वापस लेने के लिए, इसराइल से वापस लेने के लिए इजिप्ट एंड सीरिया ने इस पे अटैक किया इसराइल पे। तो इसी से रिलेटेड था ये योम किपुर वार। और इसमें इन्वॉल्वमेंट का बात करते हैं, तो अलग अलग बड़े बड़े कंट्री इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि इसराइल को सपोर्ट करने वाला यूएस था, एंड सोवियत यूनियन को सपोर्ट करने वाला, सोवियत यूनियन जो सपोर्ट किया वो इजिप्ट एंड सीरिया को किया, ठीक है। तो यहाँ से ये देखने को मिला। सीज फायर भी अटेम्प्ट किया गया इसमें, यूनाइटेड नेशंस का इन्वॉल्वमेंट से सीज फायर अटेम्प्ट किया गया इसमें। एंड मेजर कंसिक्वेंसेस का बात करते हैं, तो इसराइल जो है ये हमेशा से इसका जीत होते आया है हर इस वॉर में। तो इसराइल जो है इन्होंने गोलन हाइट को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, और शिफ्ट किया, ठीक है, इजिप्ट एलायंस टू यूएस। तो जो गोलन हाइट हम लोगों ने बार बार देखा था, तो सीरिया से ले लिया गया वापस, इट मीन्स कि कंट्रोल कर लिया गया था बेसिकली इस वॉर में, तो इस कारण से इसराइल के अंदर में आ जाता है। और बस यहाँ से ये हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखते हैं हम लोग इंटरनेशनल लॉ ऑन वॉर, ये क्या है इंटरनेशनल लॉ ऑन वॉर। तो अगर हम लोग बात कर लें, तो जो भी अभी हम लोगों ने दो तीन न्यूज़ देख रहा है उसमें कहीं ना कहीं इसराइल एंड एक तरह से फिलिस्तीन का जो हमास का जो वॉर वाला सिचुएशन है उसी से रिलेटेड सारे न्यूज़ हैं। तो इसमें जो था कि जो यूएन एक्सपर्ट ने बताया उसके अकॉर्डिंग कि इसराइल वॉर जो गाज़ा पे देखने को मिला वो इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच किया है, ठीक है, तो इसी कारण से हो जाता है। और इंटरनेशनल लॉ ऑन वॉर में क्या क्या प्रोविजंस हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देयर आर टू इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल लॉ रिलेटेड टू वॉर, तो यहाँ से दो देखने को मिलता है इंटरनेशनल लॉ है, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल लॉ जो कि वॉर में कैसे करना है क्या करना है। तो इसमें बेसिकली होता है ना कि अगर आप केमिकल वाला कोई भी ऐसे यूज करते हो वॉर के टाइम पे, या कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं अगर उसको ब्रीच करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ ऑन वॉर के अकॉर्डिंग स्टेप्स लिया जाता है। तो दिस लॉ इमेट इमनेट्स फ्रॉम
जस्ट वार थ्योरी, ठीक है। तो जस्ट वार थ्योरी एज पर भी, जिसमें कि बताया जाता है कि टेकिंग ह्यूमन लाइफ इज रॉन्ग बट स्टेट्स हैव अ ड्यूटी टू डिफेंड सिटीजन्स एंड जस्ट विच में रिक्वायर्ड विलिंगनेस टू यूज वायलेंस। बेसिकली क्या होता है इसमें कि जैसे कि वॉर तो अपने आप में एक निगेटिव सेंस है, ठीक है, और वार निगेटिव सेंस है, बट अगर कोई भी कंट्री, अदर कंट्री मेरे कंट्री पे अटैक करता है, तो इस केसेस में क्या है कि हम लोग को अपने डिफेंड के लिए हम लोग उसको उस कंट्री पे अटैक करना नेसेसरी है, ठीक है। तो इस केसेस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं दोनों कंट्री के बीच में वॉर होता है एंड दोनों को लॉस होता है, ठीक है। तो इस चीज़ में यही एक तरह से डिफाइन किया गया कि टेकिंग ह्यूमन लाइफ इज रॉन्ग बट द स्टेट्स हैव अ ड्यूटी टू डिफेंड सिटीजन्स। अब हम लोग देख लेते हैं इस लॉ में जस्ट एड वेलम, ठीक है, ये क्या है इसका बात करते हैं। तो इलेजिटिमेट रीजन है एज ए स्टेट में इंगेज इन वॉर, ठीक है। तो जस्ट एड वेलम के अकॉर्डिंग ये वॉर में इंगेज होना है क्योंकि सिटीजन को डिफेंड करना है इस कारण से। एंड इट फाइंड इट्स सोर्स इन यूनाइटेड नेशन चार्टर, इसमें मेंशन है, और आर्टिकल इसमें 2 जो प्रोहिबिट करता है मेंबर्स फ्रॉम यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट्स। तो ये सारी चीज़ है इसमें बताया गया कि इनहेरेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस, तो इतना ज़्यादा हमारे लिए मैटर नहीं करता है। अब एक देखते हैं जस इन बेलो, ठीक है, ये जाना जाता है IHL इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के नाम से, ठीक है। और ये प्रोवाइड करता है रूल टू बी फॉलोड ड्यूरिंग आर्म कन्फ्लिक्ट। तो इसमें कुछ रूल्स हैं जो कि आर्म कन्फ्लिक्ट के टाइम पे इनको फॉलो करना जरूरी है, और ये इसका एक तरह से जीनिसिस का बात करते हैं। तो हेग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये लाया गया था एंड 1949 में जिनेवा कन्वेंशन, एंड जिनेवा कन्वेंशन में बेसिकली वॉर में क्या क्या यूज करना है, कैसे करना है, उसके बेसिस पे ये भी है। एंड दियर एडिशनल प्रोटोकॉल्स, तो ये सारा जो कुछ कुछ तीन जो है सोर्सेस यहाँ से इसको लाया गया है जस एल वेलो। और ये अब इसका मेन पर्पस है इज टू सेव लाइफ्स एंड रिड्यूस सफरिंग। और बोथ गवर्नमेंट फोर्सेस एंड नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप जो कि रिस्पेक्ट करते हैं ISL का, मतलब दोनों को इन्वॉल्वमेंट रहता है, नॉन स्टेट आर्म ग्रुप और ये बोथ गवर्नमेंट, ये ब्रीच ऑफ द लॉ में लीड टू प्रोसिक्यूशन ऑफ वॉर क्राइम। तो ये चीज़ जो है। अब नेक्स्ट है जिनेवा कन्वेंशन एंड रशिया यूक्रेन वॉर। तो अभी हम लोगों ने देख रहा था जिनेवा कन्वेंशन भी अलग अलग इसमें प्रोविजंस है, उसको कैसे फॉलो किया जाना है किसी भी वार टाइम में। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से पीछे भी पिछले 2023 में पूछा गया था बॉर्डरिंग कंट्री बेलारूस और ये सब रिलेटेड क्योंकि न्यूज़ में रहा, तो इस बार देखते हैं हो सकता है जिनेवा कन्वेंशन से कहीं ना कहीं ये कर दें। तो रशिया ट्रूप्स वेयर एक्यूज ऑफ वायलेटिंग जिनेवा कन्वेंशन इन ऑन गोइंग वार। कुछ कुछ कन्वेंशन लाया गया है इस जिनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, कुछ प्रोविजंस हैं उसको अगर वायलेट किया जाता है तो एक तरह से वॉर टाइम पे कुछ होता है इसका प्रोविजंस। तो रशियन ट्रूप जो है ये बताया जा रहा है कि ये वॉर टाइम पे जेनेवा कन्वेंशन का वायलेशन किए हैं। और क्या है जेनेवा कन्वेंशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जेनेवा कन्वेंशन जो है ये सेट ऑफ 4 ट्रीटीज़ है जो कि लाया गया था 1949 में, और ये 3 एडिशनल प्रोटोकॉल इसमें ऐड किया गया था, ठीक है। तो इसमें जो है जेनेवा कन्वेंशन ये रेटिफाइड किया गया बाय द 196 स्टेट्स जिसमें कि UN मेंबर स्टेट्स भी शामिल है। 3 प्रोटोकॉल जो है ये रेटिफाइड किया गया बाय 174, 169 एंड 79 स्टेट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। ये कुछ जैसे दिनिपोर रिवर हो गया, ठीक है, ये कुछ कुछ जैसे इंपोर्टेंट हो जाता है ये सारा, खेरसों, क्रीमिया, ठीक है। तो जैसे कि एडोप्ट कर लिया गया था रशिया के द्वारा, तो उसी के बाद से तो ये वॉर और ज़्यादा राइज कर गया था। तो ये ब्लैक सी का रीज़न देखने को मिलेगा। तो ये सारे चीज़ जो है ये जो भी ऐसे न्यूज़ में रहता है इसका प्लेसेस इन न्यूज़, तो ये हमारे लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं जिनेवा कन्वेंशन के कुछ बारे में। तो जो फर्स्ट है, ठीक है, जिनेवा कन्वेंशन का जो फर्स्ट प्रोविजन है इसमें क्या कवर करता है, ये प्रोटेक्ट करता है वाउंडेड एंड सिक सोल्जर्स ऑन लैंड ड्यूरिंग वॉर, ठीक है। और ये ऑल्सो एक्सटेंड टू मेडिकल एंड रिलीजियस पर्सनल्स, मेडिकल यूनिट्स एंड मेडिकल ट्रांसपोर्ट। सेकेंड में है कि ये प्रोटेक्ट करता है वाउंडेड एंड सिक एंड वेफ्रेक्ड मिलिट्री पर्सनल्स एट सी ड्यूरिंग वॉर, ठीक है। और ये एक्सटेंड करता है हॉस्पिटल शिप्स एंड मेडिकल ट्रांसपोर्ट बाय द सी। बेसिकली इसमें एक और प्रोविजन है इफ़ आई एम करेक्ट, कि अगर कोई भी ऐसे सामने आ गया, अगर दुश्मन, इट मीन्स कि अपोजिट अपोजिट आर्मी, तो इस बीच में है कि अगर आपके सामने अगर सरेंडर कर रहा है तो उस टाइम पे आपको इस पे फायर नहीं करना है, तो ऐसा भी कुछ प्रोविजन्स है। थर्ड जो है ये अप्लाई होता है टू प्रिजनर्स ऑफ वॉर पे, इंक्लूडिंग अ वाइड रेंज ऑफ जनरल प्रोटेक्शन सच एज ह्यूमन ट्रीटमेंट, मेंटेनेंस एंड इक्वालिटी अक्रॉस प्रिजनर्स। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए अच्छा खासा दिया गया प्रोविजन्स। फोर में है ये प्रोटेक्ट करता है सिविलियंस को, इंक्लूड दोज इन ऑक्यूपाइड टेरिटरी।
तो इसके लिए भी है। एंड क्योंकि अगर किसी भी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया वहाँ पे, अगर किसी दूसरे कंट्री का है तो इन केसेस में ये नहीं कि उस पर अटैक कर दिया जाएगा, बट उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, इस जिनेवा कन्वेंशन में रखा गया। अब 3 एडिशनल जो प्रोटोकॉल लाया गया था, ये इसमें प्रोटोकॉल 1 एंड 2 बताता है कि ये स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फॉर द विक्टिम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, ये प्रोटोकॉल 1 में है, एंड देन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल 2 में, एंड आर्म कन्फ्लिक्ट एंड प्लेस लिमिट्स ऑन द वे वार आर फॉर, ठीक है। प्रोटोकॉल 3 जो है ये एडिशनल एम्बलम क्रिएट करता है एंड रेड क्रिस्टल्स, ठीक है, विच हैज़ द सेम इंटरनेशनल स्टेटस एज रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट एम्बलम। तो ये जो होता है खतरा के टाइम पर ये चीज़ किया जाता है, उसके लिए प्रोटोकॉल 3 में ऐड किया गया। ये जो है रिलेटेड न्यूज़ एमिड रशिया यूक्रेन वार, ये ब्लैक सी ग्रीन डे। तो आपको पता है कि वैसे अगर वीट का भी बात करते हैं तो मोस्ट यहाँ से इम्पोर्ट किया जाता है, यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया। तो ये जो है रिसेंटली रशिया विथड्रू फ्रॉम द ब्लैक सी ग्रेन डील ऑन गोइंग ग्राउंड ऑफ द फेसिंग ट्रबल एक्सपोर्टिंग इट्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड फर्टिलाइजर। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस किया जा रहा था रशिया के थ्रू इस एक्सपोर्ट करने के लिए जो ब्लैक सी से होकर के जाता है, तो इस कारण से यहाँ से ये जो ब्लैक सी ग्रेन डील है उससे एग्जेम्प्ट कर लिया। एंड ब्लैक सी ग्रेन डील जो है ये लाया गया था बेसिकली 2022 में, ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस एंड टर्की का मोस्ट इन्वॉल्वमेंट है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो इसका यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है। फिर जो है ये सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर फॉर यूक्रेन एक्सपोर्ट्स के लिए ये बेस्ट है। कुछ ऐसे पोर्ट्स देखने को मिलता है जिसमें कि कोर्नोमोस्क, ओडेशा एंड यूजनी, ये कुछ कुछ हैं जो कि, और इसमें अगर बात करते हैं तो ये डील वॉज फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज विद एन ऑप्शन टू एक्सटेंड एंड टर्मिनेट, ठीक है, तो इस कारण से ये बाहर कर दिया गया, और इट वाज एक्सटेंडेड 2 टाइम्स, इसको 2 बार। तो ये इतना कुछ ये देखते हैं हम लोग जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है स्कॉर्च अर्थ टैक्टिक्स, ठीक है, स्कॉर्च अर्थ टैक्टिक्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि जो हम लोग न्यूज़ में भी देख रहे थे कि जो वार हो रहा था यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो वहाँ पे देख रहे थे कि उनके बीच में कुछ भी आ रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। कुछ भी मतलब इट मीन्स कि जितने भी एनर्जी सप्लाई है, ब्रिज हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, रोड, रेलवेज, जिससे कि लोग सस्टेन कर रहे हैं या फिर इनिमी सस्टेन कर रहा है, वो सारे चीज़ को तबाह कर दिया जा रहा था। तो इस टैक्टिक्स में जो स्कॉर्च अर्थ टैक्टिक्स है, इसमें बेसिकली यही एक तरह से अटेम्प्ट किया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया में, तो छत्रपति शिवाजी जो थे उनके द्वारा इस टैक्टिक्स को यूज़ किया जा रहा था, स्कॉर्च अर्थ टैक्टिक्स को। तो ये जो रसिया जो है ये एक तरह से जो एज इज बीइंग एक्यूज्ड ऑफ यूजिंग एस्कॉर्ट अर्थ टैक्टिक्स इन ऑन गोइंग वार अगेंस्ट यूक्रेन। तो इन्होंने ज़बरदस्त यूज़ किया था रसिया इसके अगेंस्ट, यूक्रेन के अगेंस्ट। तो एस्कॉर्ट अर्थ टैक्टिक्स जो है, जैसे कि जिसमें कि जो भी ऐसे मिलिट्री स्ट्रेटजी रहता है जो कि डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है कुछ भी जो एनिमी के यूज के लिए है, जैसे कि एनर्जी सप्लाई का बात करते हैं, ब्रिज का बात करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड, ये सारी चीज़ें हैं इनके द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इसमें रसिया ने यही अटेम्प्ट किया था यूक्रेन को लेकर के इस वॉर में। तो यही है इस चीज़ में। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं 1977 जिनेवा कन्वेंशन में, तो इस चीज़ को बाहर कर दिया गया था बिकॉज ये हार्म करता है सिविलियन एज अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी। तो क्योंकि सिविलियन को ज़्यादा इसमें क्षति ना पहुँचे, इसको लेकर के इस जिनेवा कन्वेंशन में इसको, इस टैक्टिक्स को, स्कॉर्च अर्थ टैक्टिक्स को बाहर कर दिया गया था। डर्टी बॉम्ब, ये देखते हैं डर्टी बॉम्ब क्या है, ठीक है। तो रसिया एक्यूज्ड यूक्रेन ऑफ कंटिन्यूइंग वॉर ऑन डर्टी बॉम्ब। तो ये रसिया के द्वारा एक तरह से लगाया गया। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि यूक्रेन जो है ये डर्टी बॉम्ब का यूज कर रहा है, ये रसिया के द्वारा क्लेम किया गया। डर्टी बॉम्ब जो हमारे लिए इंपोर्टेंट ये है कि ये है क्या, डर्टी बॉम्ब जो है ये ऐसा बॉम्ब है जो कि इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल कंटेन होते हैं, और जैसे कि अगर इसमें मटेरियल का बात करते हैं तो यूरेनियम मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है इस डर्टी बॉम्ब में, जो कि स्कैटर करता है थ्रू द एयर, एंड जब ये ऐसे स्कैटर करता है तो ये एक तरह से एक्सप्लोसिव डेटोनेट्स लाता है, और जो कि कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव मटेरियल रहते हैं और ह्यूमन पे, लाइफ पे, अलग अलग एनिमल्स पे ये एडवर्स इफेक्ट देता है। और इट डजेंट नीड टू कंटेन हाईली रिफाइंड रेडियो एक्टिव मटेरियल्स एज इट इज़ यूज इन न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ऐसा भी नहीं है कि जो भी ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज होता है रिफाइंड मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल, वैसा इसमें यूज नहीं करना है। उसका अगर सस्टेंड अलग टाइप से भी कुछ उसका मिक्सचर भी है तो इसमें यूज़ किया जा सकता है, बेसिकली ये बोला जा रहा है। और दिस मेक्स देम सच चीपर्स एंड क्विकर्स टू मेक देम, क्योंकि ये प्योर नहीं रहता है जो जो हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज करते हैं, तो
तो इस कारण से जो है ये इतना प्योर नहीं रहता है, इस कारण से ये जो थोड़ा सा चीपर भी मिल जाता है और ये डर्टी बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट रहते हैं ये लोग इसके यूज़ करके। अब देखते हैं हम लोग नॉर्थ सी समिट, ठीक है। तो नॉर्थ सी समिट क्यों न्यूज़ में रहा, ये भी है जो भी ऐसे प्लेसेस इन न्यूज़ हैं या फिर ऐसे, तो समिट तो इम्पोर्टेंट होता है। ये सेकेंड नॉर्थ सी समिट जो है ये रिसेंटली हुआ, तो इस कारण से न्यूज़ में हो जाता है। इसका हम लोग का बात करते हैं, इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्या है। तो इसका एम है बेसिकली कि नॉर्थ सी एंड सी द लार्जेस्ट पावर हाउस ऑफ यूरोप बाई 2050। तो जो नॉर्थ सी है इसको एक तरह से पावर हाउस के तौर पर देखा जा रहा है कि 2050 तक इसका यूज़ किया जाएगा नॉर्थ सी समिट में, ऐसा एम लिया गया। और इट ऑफशोर विंड कैपेसिटी टू 120 GW बाई 2030 एंड 300 GW बाई 2050। तो जो ऑफशोर विंड कैपेसिटी है बेसिकली ये जो नॉर्थ सी है इसका जो विंड कैपेसिटी का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करना इसका मेन फोकस है, तो इस कारण से यूज न्यूज़ में हो जाता है। ये 7 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो हैं इसमें हैं, ठीक है, जो कि बेल्जियम हो गया, डेनमार्क हो गया, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लक्समबर्ग, ठीक है, नीदरलैंड्स, एंड 2 हैं ऐसे इसमें शामिल नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो कि नॉर्वे एंड यूनाइटेड किंगडम पार्टिसिपेटेड। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे पूछा जाता है कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में कौन कौन शामिल है नॉन यूरोपियन यूनियन में, तो ऐसा पूछा भी गया है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट समिट इन डेनमार्क इन 2022, बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी एंड नीदरलैंड साइन दी एस्बर्ग डिक्लेरेशन। ऐसा पूछा जाएगा कि एस्बर्ग डिक्लेरेशन है किसके किसके बीच में साइन हुआ है, ठीक है, तो और या फिर किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इस कारण से यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। आगे देखते हैं एस्बर्ग डिक्लेरेशन। तो एस्बर्ग डिक्लेरेशन जो है इसका मेन एम है कि नॉर्थ सी को एक तरह से ग्रीन पावर प्लांट ऑफ यूरोप बनाना, और जो कि ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम के थ्रू। तो इसका है ग्रीन पावर प्लांट या फिर एनर्जी से रिलेटेड है ये एस्बर्ग डिक्लेरेशन। हम लोग कुछ जान लेते हैं अबाउट नॉर्थ सी के बारे में। तो नॉर्थ सी जो है ये पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन है जो कि लोकेटेड है बिटवीन नॉर्वे एंड डेनमार्क, ठीक है, ये और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम एंड फ्रांस, तो इन बीच में देखने को मिलता है, ये अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। इट कनेक्ट द अटलांटिक बाई स्ट्रेट ऑफ डोवर एंड इंग्लिश चैनल। तो ये ध्यान रखना है, स्ट्रेट ऑफ डोवर देखने को यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे है जैसे कि स्ट्रेट ऑफ डोवर है हो गया, और ये यूके, इंग्लैंड वाला, वेल्स, इसी का पार्ट है, एंड इंग्लिश इंग्लिश चैनल ये देखने को मिलता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या हुए, ठीक है। तो इस चीज़ से ये कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक, ये क्या है। तो यूनाइटेड किंगडम जो है इसको CPTPP को ज्वाइन किया, कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, और ये बन जाता है फर्स्ट न्यू मेंबर एंड फर्स्ट कंट्री इन यूरोप टू ज्वाइन दी। तो ये मोस्ट ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसा लगता है कि यूनाइटेड किंगडम जो है ये पहला ऐसा है यूरोप में, यूरोपियन कंट्री में, जो कि ये ज्वाइन किया है CPTPP को। तो इसका हम लोग जेनेसिस का बात करते हैं। तो ये 2018 मार्च में लाया गया और ये फोर्स में आया दिसंबर से, और ये सक्सेस द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट जब ये विथड्रॉ किया फ्रॉम द TPP इन 2017। तो यही है कि यूनाइटेड स्टेट भी इसका पार्ट था, बट 2017 में विथड्रॉ कर लिया गया, एंड उसके बाद फिर ये आपको देखने को मिलता है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, और फर्दर इसको एक्सटेंड कर दिया गया एंड CPTPP किया गया। अबाउट इसमें देखते हैं कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन 11 नेशंस, और ये इसमें मेंबर कंट्रीज़ का बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, कनाडा, चिल, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, पेरू, मेक्सिको एंड न्यूजीलैंड देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं हम लोग विंडसोर फ्रेमवर्क, ये विंडसोर फ्रेमवर्क है क्या। तो 2023 में देखें तो यूके एंड यू जो है ये एग्री किए ऑन अ न्यू डील जिसको कि विंडसोर फ्रेमवर्क जाना गया। तो विंडसोर फ्रेमवर्क पूछा जाएगा किसके किसके बीच में डील है, तो यूके एंड यू के बीच में, और बेसिकली ये जो है नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल को रिप्लेस करने के बाद ये लाएगा, जो कि लेड करता है डिसरप्शन इन द ट्रेड बिटवीन नॉर्दर्न आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। तो ये ध्यान रखना है कि किसको रिप्लेस करने के बाद विंडसोर फ्रेमवर्क लाएगा एंड इसमें कौन कौन देश शामिल है। अब फीचर्स का बात करते हैं विंडसोर फ्रेमवर्क का। तो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द 2 लेन सिस्टम और साथ ही साथ स्टोरमोंट ब्रेक, तो ये भी ध्यान रखना, कुछ कुछ ऐसे टर्म होते हैं। और ये जो 2 लेन है, द 2 लेन्स ये जो है ये किससे रिलेटेड है ये देखते हैं।
तो इस टू लेन का अगर बात करते हैं तो इसमें दो लेन देखने को मिलता है, एक ग्रीन लेन एंड एक है रेड लेन, ठीक है। तो ग्रीन लेन जो है, जैसे कि जो भी ऐसे गुड्स होते हैं ब्रिटेन से अगर नॉर्दर्न आयरलैंड तक पहुंचाना है तो वो इस ग्रीन लेन से जाते हैं, बट जो रेड लेन है ये कोई भी ऐसे गुड्स जो है एट रिस्क फॉर मूविंग ऑन टू यूरोपियन यूनियन, ये यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, ये तो ध्यान रखना है। एंड स्टोटमोंट ब्रेक का बात करते हैं तो इसके अंदर जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नॉर्दर्न आयरलैंड असेंबली जो है ये इम्पोज कैन ओपोज न्यू यूरोपियन यूनियन गुड्स रूल दैट वुड हैव सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन एवरीडे लाइफ इन नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। बेसिकली यही है कि अगर इसके नॉर्दर्न आयरलैंड के जो असेंबली है उसको अगर अच्छा नहीं लगता है तो वो जो है जो भी ऐसे गुड्स आते हैं यूरोपियन यूनियन से उसको एक तरह से अपोज कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे दिखाया गया है। अब है कुछ नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं। तो इट इज़ अ पोस्ट ब्रेग्जिट एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये ब्रेग्जिट एग्रीमेंट भी ऐसा जो है ये कहीं ना कहीं मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है इट इज़ अ पोस्ट ब्रेग्जिट एग्रीमेंट जो कि क्रिएट करता है कस्टम्स बॉर्डर बिटवीन नॉर्दर्न आयरलैंड एंड द रेस्ट ऑफ द यूके। तो ये सारी चीज़ है अंडर दिस प्रोटोकॉल, इतना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी देख लेते हैं कि इस प्रोटोकॉल के अंदर जो है ये नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ये रिमेन्स इन यू सिंगल मार्केट। तो इनका एक है अच्छा खासा यू के लिए हो जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड एक मार्केट, एंड ट्रेड एंड कस्टम्स इंस्पेक्शन गुड्स एंड ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ये देखते हैं प्रपोज टू प्रोटेक्ट द गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट ऐसा तो फॉर क्रॉस बॉर्डर एंड कोऑपरेशन के लिए ये है। एंड जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट है ये 1998 में साइन किया गया, और ये साइन किया गया बिटवीन दी नॉर्दर्न आयरलैंड ब्रिटेन एंड आयरलैंड, ठीक है, टू एंड 30 ईयर ऑफ वायलेंस नोन एज दी ट्रबल्स, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। और नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ये क्रिएट किया गया 1921 में एंड रिमेंड विद द यूनाइटेड किंगडम व्हेन रेस्ट ऑफ द आयरलैंड बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ये भी ध्यान रखना है कि यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड, बाकी अगर अदर पार्ट का बात करते हैं आयरलैंड का तो ये अपना इंडिपेंडेंट स्टेट है इनका। एंड दिस रिजल्टेड इन द वायलेंस बिटवीन दोज हु विश टू रिमेन विद द यूके एंड दोज हु वांटेड टू ज्वाइन आयरलैंड। तो ये भी रिसेंटली अगर बात करते हैं तो यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड नॉर्दर्न आयरलैंड टू मेक 25th एनिवर्सरी ऑफ गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं लुसोफोन वर्ल्ड, ठीक है। लुसोफोन वर्ल्ड है क्या? तो अबाउट लुसोफोन वर्ल्ड, ये पोर्तुगीज स्पीकिंग कंट्रीज है, इसमें ज़्यादातर पोर्तुगीज स्पीकिंग लोग रहते हैं। इट्स स्प्रेड इन 9 कंट्रीज एंड इट इट स्प्रेड इन 9 कंट्रीज अक्रॉस 4 कंटिनेंट, ठीक है। और पोर्तुगीज इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द सदर्न हेमिस्फेयर। और 1996 में देखे तो कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज लैंग्वेज कंट्रीज जो कि लुसोफोन कॉमनवेल्थ से भी जाना जाता है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ 1996 में। तो ये जो सीपी जो अभी हम लोग देखेगा सीपीएलपी कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज लैंग्वेज कंट्रीज, ये एक तरह से मल्टीलेटरल फोरम है जिसमें कि 9 मेंबर स्टेट शामिल हैं, 32 एसोसिएट्स ऑब्जर्वर जो कि इंडिया इज एज एसोसिएट ऑब्जर्वर, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। अब देखते हैं सटल डिप्लोमेसी, ये है क्या सटल डिप्लोमेसी? तो कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जापान एंड साउथ कोरिया जो है एग्री किए कि जो सटल डिप्लोमेसी है उसको रिज्यूम किया जाए और टू मेंड टाइज एंड मूव पास्ट द लिंगरिंग हिस्टोरिकल डिस्प्यूट, ठीक है। तो एक तरह से ये है सटल डिप्लोमेसी के अंदर जो है जापान एंड साउथ कोरिया का जो है एक तरह से उस डिप्लोमेसी को रिज्यूम किया जाए और जो भी ऐसे टसल देखने को मिले, डिस्प्यूट देखने को मिले, उसको थोड़ा सा ठीक किया जाए। एंड द नेशन शेयर अ कम्प्लीट केटेड हिस्ट्री टाइड विद द टाइड टू एट्रोसिटीज कमिटेड व्हेन द जापान कॉलोनाइज्ड कोरिया, ठीक है। तो ये उन लोग का एक तरह से हिस्ट्री में है जब वॉर हुआ और कॉलोनाइज किया गया जापान के थ्रू कोरिया का पार्ट का, तब ये सटल डिप्लोमेसी जो है ये मूवमेंट ऑफ डिप्लोमेट्स बिटवीन कंट्रीज हुज लीडर्स रिफ्यूज टू टॉक डायरेक्टली टू ईच अदर। मतलब ये एक तरह से इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसमें कि जो जनरली होता है कि दो कंट्रीज के लीडर बात नहीं करना चाहते, बट डिप्लोमेट्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें रोल प्ले करता है टू टू सेटल दी आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और इसके बीच में। तो इस कारण से जो है ये सटल डिप्लोमेसी इसका नाम है। एंड वाशिंगटन डिक्लेरेशन ये है क्या, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इसका 70th एनिवर्सरी जो है ऑफ यूएस, इसका जो वाशिंगटन डिक्लेरेशन नाम से ही पता चल रहा है, तो इसको सेलिब्रेट किया गया। और इसमें जो है साउथ कोरिया बायलेटरल
ये बेसिकली जो वाशिंगटन डिक्लेरेशन है ये यूएस एंड साउथ कोरिया बायलेटरल रिलेशंस का है, जो कि साइन किया गया वाशिंगटन डिक्लेरेशन के जैसा। ठीक है, तो साउथ पूछा जा सकता है कि वाशिंगटन डिक्लेरेशन में किन का इन्वॉल्वमेंट है, तो यूएस एंड साउथ कोरिया का एक तरह से बायलेटरल रिलेशंस देखने को मिलता है। डिक्लेरेशन जो है एडवोकेट फॉर द न्यूक्लियर डिटेरेंस पॉलिसी इन द रीजन, एंड इसका मेन एम था कि बैलेंस पावर डायनेमिक्स अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया, इसको मेंटेन करना। इसमें बात करते हैं तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वाशिंगटन डिक्लेरेशन 1994, जो कि फॉर्मली एंडेड द स्टेट ऑफ द वॉर बिटवीन जॉर्डन एंड इसराइल। तो इसी तरह से है क्योंकि जैसे कि एक इन्वॉल्वमेंट रहा है इसराइल और जॉर्डन के बीच में जो, या फिर इसराइल एंड हमास में जो हुआ था, लेकिन अगर जॉर्डन एंड इसराइल में बात करते हैं तो जो ये वाशिंगटन डिक्लेरेशन है इसका एक तरह से इन्वॉल्वमेंट रहा है इस डिस्प्यूट को ठीक करने में। अब देखते हैं द स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड, ठीक है, ये क्या है। तो लीडर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड साउथ कोरिया जो है इशू अ ज्वाइंट स्टेटमेंट जिसका कि नाम दिया गया द स्पिरिट ऑफ कैम्प डेविड। तो ठीक है, तो द स्पिरिट ऑफ कैम्प डेविड रिलेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड साउथ कोरिया, इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट है। और ये सबमिट किए प्रोजेक्ट यूनिटी टू फेस चाइनाज ग्रोइंग पावर, काउंटर करने के लिए अलग अलग स्टेप लिया जा रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, जैसे कि बी आर आई को काउंटर करने के लिए लाया गया PII। तो ये सारी चीज़ें से जो है, फिर ये यहाँ पे देखा जा रहा है कि चाइना का ग्रोइंग पावर और ये जो थ्रेट देखा जा रहा है नॉर्थ कोरिया को लेकर के, तो ये चीज़ द स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड साइन किया गया। और दिस इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज विद द 1978 कैंप डेविड अकॉर्ड बिटवीन इजिप्ट एंड इसराइल। देखिए, एक अभी हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले इजिप्ट एंड इसराइल के बीच में जो वॉर हुआ था, तो उस बीच में कैंप डेविड अकॉर्ड साइन किया गया था। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि उससे कन्फ्यूज नहीं करना है, ये स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड है, ठीक है, और वो था कैंप डेविड अकॉर्ड। तो ये दोनों एक सेपरेट अलग चीज़ है, तो यहाँ से ही हम लोगों ने देखा। अब हम लोग का ये द एंड हो गया, बाकी नेक्स्ट हम लोग इसमें पार्ट देखते हैं। तो इस तरह से बहुत कम समय में हम लोगों ने ये पूरा कवर कर लेंगे इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक। तो आप अभी तक से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, ना अपने फ्रेंड तक शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करते हैं। इशू रिलेटेड टू सिक्योरिटी, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कोई अगर बात करते हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, ये भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज करके। तो ये देखते हैं इंटरनेशनल टेररिज्म पे क्या है। जैसे कि इंडिया जो है ये रैंक 13 आया है एज अ लेटेस्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, जो कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, IEP के थ्रू ये रिलीज किया जाता है, जिसमें कि इंडिया का रैंक 13 देखा गया है, एंड जो कि ये वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज है बाय टेररिज्म। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट जो ग्लोबल इनिशिएटिव टू काउंटर टेररिज्म क्या क्या लिया गया है। तो GCTC, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी लाया गया इस टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, जो कि अडॉप्ट किया गया इस इन द फॉर्म ऑफ जनरल असेंबली रेजोल्यूशन इन 2006, जिसमें कि इन्हांस करना है नेशनल रीजनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट टू काउंटर टेररिज्म। एक और है CTC, ठीक है, UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी, जो कि इट इज़ आस्क विद द मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन 1373। तो ये कुछ कुछ रेजोल्यूशन होते हैं यूएन जनरल असेंबली में, तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं कहीं अलग अलग तरह से स्टेप लिए जाते हैं, तो ये लिया गया था इस बीच में, ये हमारे लिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अब देखते हैं एक और है GCTF, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया एक मेंबर है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है, एंड इज़ एन इनफॉर्मल ए पोलिटिकल एंड मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट ओपन डिस्कशन एमोंग स्टेक होल्डर्स, ब्रिंगिंग टुगेदर एक्सपर्ट एंड प्रैक्टिशनर्स। तो इसमें अलग अलग इसमें शामिल है अलग अलग स्टेक होल्डर्स, तो इस तरह से ये समझ सकते हैं इंडिया इसका मेंबर है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम का। एक है यूनाइटेड नेशंस काउंटरिंग टेररिस्ट ट्रेवल प्रोग्राम, ठीक है, तो इट इज़ अ फ्लैगशिप ग्लोबल इनिशिएटिव है, और ये है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म का, ठीक है, UNOCT का एक तरह से फ्लैगशिप ग्लोबल इनिशिएटिव है, जिसमें कि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए लाया गया है। एंड इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि असिस्ट करता है मेंबर स्टेट को इन बिल्डिंग देयर कैपेसिटीज टू डिटेक्ट एंड काउंटर टेररिज्म। इंडिया जो है इज़ अ मेंबर ऑफ दी UNOCT, ठीक है, तो इसमें यह भी ध्यान रखना है। इंडिया अभी तक से हम लोगों ने दो दो ठे देखा कि इसका मेंबर है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम का, एंड यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म का भी एक तरह से मेंबर हो जाता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF क्या है, तो FATF भी है एक तरह से कि जो भी ऐसे कोई भी कंट्री है ये मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देता है, काउंटर टेररिज्म को बढ़ावा देता है, तो उसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अकॉर्डिंग रेड लिस्ट, ग्रे लिस्ट, ये इस तरह से उसमें ऐड कर दिया जाता है।
तो ये क्या है, इट इज़ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म टू बिल्ड एंड इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन दिस रिगार्ड। तो इस बीच में ही स्टेप्स लिया जाता है ताकि इसको कैसे काउंटर किया जाए, इस जो भी जैसे बढ़ावा दिया जाता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जो किया जाता है, तो इसको कैसे इसको रिवर्स किया जाए एंड फर्दर आगे किया जाता है। SCU रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, रेट्स, ये भी हमेशा से रहा है, तो ये देखते हैं। इट डिप्लॉयड एंड स्ट्रेंथन कॉपरेशन विद द इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कंसोलिडेट करता है विद द एफर्ट ऑफ काउंटर टेररिज्म सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। तो इतना हम लोग काफ़ी है। कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है, तो इट एक्सटेंड टू क्रिमिनलाइज ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, जो कि डिनाइल ऑफ द स्टेट्स हैव एन एक्सेस टू फंड आर्म ऑफ द टेररिस्ट एंड फाइनेंसियर्स, ठीक है, फाइनेंसियर्स ऑफ टेररिज्म। तो ये सारी चीज़ जो है इसमें जो होता है बेसिकली, जैसे जो सपोर्ट करता है टेररिज्म को किसी भी फॉर्म में, जैसे कि डिनाइल ऑफ द सेफ हेवन और फंड किसी को अगर प्रोवाइड किया जा रहा है, आर्म टेररिस्ट को सपोर्ट किया जा रहा है फाइनेंस के थ्रू, तो इस चीज़ को क्रिमिनलाइज किया जाता है इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। और ये बात ये है इसमें जानने का कि इट इज़ प्रपोज्ड बाई इंडिया ऑन 17 दिसंबर 1996, ठीक है, और इन UNGA। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया के द्वारा कौन सा ये प्रपोज किया गया था, तो CCIT है, कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग डोमेस्टिक पॉलिसी इनिशिएटिव बाय इंडिया टुवार्ड काउंटर टेररिज्म। तो कुछ कुछ है डोमेस्टिक पॉलिसी को लेकर के जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो जाता है और इंडिया का क्या स्टेप रहा है। तो एक है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, जो कि प्रोवाइड करता है फॉर द मोर इफेक्टिव प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन। तो इसके लिए है लाया गया था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 ये इंडिया में, ताकि इफेक्टिव और जो भी ऐसे अनलॉफुल एक्टिविटीज होते हैं उसको रोका जा सके। एंड नेक्स्ट है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, जो है ये तो फंक्शन है सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन कंट्री, तो इनका तो है ही मोस्ट इंपोर्टेंट रोल। और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और नाट ग्रिड, ये जो बोला जाता है इसका मेन उद्देश्य है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करना और टू इन्हांस इंडियाज काउंटर टेररिज्म कैपेसिटी, ठीक है। तो इसका एक है कि होते हैं बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज रिलेटेड जो कि हेल्प करते हैं टेररिज्म को काउंटर करने में। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ टू न्यू डिवीजन, ठीक है, काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन एंड साइबर एंड सिक्योरिटी डिवीजन, ठीक है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, जो कि फोकस किया जाता है अटेंशन टू इशू रिलेटिंग टू टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलिज्म साइबर सिक्योरिटी, इस पर फोकस किया जाता है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, तो ये क्या है, UAPA हमेशा से न्यूज़ में रहा है। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में रहने का कारण यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया कि जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी जो कि एज अ अनलॉफुल एसोसिएशन, ठीक है, और इन्होंने और भी जो है इन 9 मिटी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को बैन किया अंडर UAPA, ठीक है, तो ये इस कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है। तो पूछा जा सकता है कि UAPA के अंदर रिसेंटली किसको डिक्लेयर किया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया इसे इसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कुछ UAPA के अकॉर्डिंग ये क्या है। तो UAPA जो है ये इनेक्ट किया गया फॉर इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन के लिए फॉर द डीलिंग विद द टेररिस्ट एक्टिविटीज़। तो इसका एक तरह से उद्देश्य है कि प्रोविजंस है जो ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल, ये ध्यान रखना है, और अरेस्ट कुड बी मेड विदाउट, मतलब ये जो बताया गया इसका डिफाइन कि कॉग्निजेबल बेसिकली होता है कि आपको वारंट नहीं दिया जाएगा, बिना वारंट के ही आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर ऐसा लगेगा कि ये थ्रेट है, ठीक है। पेनाल्टीज का बात करते हैं तो डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये भी इसमें दोनों मेंशन है, और दैट शैल ऑल्सो बी द लाइबल टू अ फाइन इट, ये भी अगर है कि अगर कम किया जाए इस पेनाल्टी को तो फाइन तक भी किया जा सकता है, एंड रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ एनी पर्सन। तो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है। अनलॉफुल एसोसिएशन का बात करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ एन एसोसिएशन अनलॉफुल बाय द सेंट्रल थॉट ऑफ एन ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन बाय स्पेसिफाइंग दी ग्राउंड। तो ये चीज़ है। रेफरेंस टू ट्रिब्यूनल्स का बात करते हैं, तो ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ बींग अनलॉफुल नोटिफिकेशन शुड बी रेफर टू ट्रिब्यूनल्स विद इन 30 डेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर ट्रिब्यूनल पास जो है अगर किसी चीज़ को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसको एक तरह से नोटिफिकेशन दे दिया जाना होगा 30 दिन के अंदर ही। इन्वेस्टिगेशन का बात करते हैं तो NIA का इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, और साथ ही साथ स्टेट पुलिस का भी, ठीक है। अदर पावर्स टू सेंटर्स का बात करते हैं, तो ये प्रोहिबिट करता है यूज ऑफ द फंड ऑफ एन अनलॉफुल एसोसिएशन और नोटिफाई प्लेस
यूज फॉर द पर्पस ऑफ अनलॉफुल एसोसिएशन। तो ये इस तरह से स्टेप लिया जाता है सेंटर के द्वारा। दी टेररिस्ट एक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये डिफाइन करता है कि इट इंक्लूड्स एनी एक्ट, ठीक है, इंटेंडेड टू थ्रेटन द यूनिटी इंटीग्रिटी सिक्योरिटी और सोवरेनिटी ऑफ इंडिया और स्ट्राइक टेरर पीपल्स इन इंडिया, ठीक है, और इन एनी फॉरेन कंट्री अमंग अदर्स। तो इस तरह से है कि अगर ऐसा लगेगा कि कोई भी ऐसे पर्सनस या वो है कोई भी ऐसा पर्सनस और तो जो है कि ऐसा लग रहा है कि थ्रेटन है यूनिटी के लिए, यूनिटी के पर्पस से, इंटीग्रिटी से लेकर के सिक्योरिटी सोवरेनिटी को लेकर के, तो उसको टेररिस्ट एक्ट के अंदर रखा जा सकता है। एंड फॉर फ्यूचर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द डिजिग्नेटेड अथॉरिटी। तो इतना ही है। और ये है प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। ये क्या है प्राइवेट मिलिट्री कंपनी? रिसेंटली ये न्यूज़ में रहने का कारण है कि देर वॉज अ रिवेलियन इन रशिया बाय वेगनर ग्रुप अ प्राइवेट मिलिट्री कंपनी, ठीक है, तो इस कारण से जो था ये न्यूज़ में हो जाता है। हम लोग जानते हैं कुछ थोड़ा सा कि पीएमसी है क्या, प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। तो ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनी जो है ये प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोवाइड करता है मिलिट्री एंड सिक्योरिटी सर्विसेज ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो बेसिकली ये नाम से भी ऐसे पता चलता है। एंड हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ये रशिया से रिलेटेड है। एंड दी ऑपरेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी जो है ये ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ गवर्नमेंटल मिलिट्री फोर्स, ठीक है, तो यही है बाकी। तो बाकी एंड फ्रॉम द स्टेट ऑफिशियल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका एक तरह से ऑपरेटिव एस्पेक्ट है। और ये हायर किया जाता है, दे आर हायर्ड बाई गवर्नमेंट, क्योंकि ये प्राइवेट है तो गवर्नमेंट के द्वारा हायर किया जाता है कि आप आओ या फिर कुछ ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कॉरपोरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल के द्वारा इनको हायर किया जाता है। इस चीज़ में हम लोग देखते हैं वेगनर ग्रुप के बारे में, ठीक है, तो वेगनर ग्रुप को पीएमसी वेगनर के भी नाम से जाना जाता है जो कि कंट्रोल किया जाता है इनडायरेक्टली बाय द रशियन मिलिट्री, ठीक है, तो इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है रशियन मिलिट्री के द्वारा एंड द मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस जो कि सप्लाई करते हैं इनको वेपन्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड रशियन मिलिट्री फैसिलिटीज फॉर ट्रेनिंग। तो इस तरह से इनको प्रोवाइड किया जाता है वेगनर ग्रुप को। एंड द ग्रुप वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 2014 एंड वाइल बैकिंग प्रो रशियन सेपरेटिस्ट फोर्स इन ईस्टर्न यूक्रेन, क्योंकि जो यूक्रेन और इसका मुद्दा था तो उस समय उन लोगों को लोगों की ज़रूरत थी और इस वजह से उन लोगों को एक तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया और इनका इन्वॉल्वमेंट हुआ इस चीज़ में। द ग्रुप दैट ऑपरेटेड इन कन्फ्लिक्ट राइडन अफ्रीका एंड अरब कंट्रीज, तो ये भी जो भी ऐसे जो थे इस बीच में इनको लाया गया अफ्रीका एशियन अरब कंट्रीज में कन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज और ये चीज़ करने के लिए। तो द वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूएन एक्सपर्ट जो हैं इन्होंने डिजिग्नेट किया इट एज अ ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो बेसिकली जो ये कन्फ्लिक्ट हुआ तो यूएन के द्वारा ये डिजिग्नेट कर दिया गया इन लोगों को कि एज अ ट्रांसनेशनल एंड क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है ये जो वेगनर ग्रुप है। अब देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये है का पीएमएलए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये नोटिफाइड के चेंज टू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कुछ चेंजेस किए गए जो कि बात यह है ये 2002 में लाया गया था, ठीक है, और इसके बारे में और कुछ जान ले तो द न्यू रूल जो है ये ब्रॉट इन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, कंपनी सेक्रेटेरिएट एंड कोस्ट एंड वॉक अकाउंटेंट जो कि कैरी करता है कैरिंग आउट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ दियर क्लाइंट इन टू द एम्बिट ऑफ पीएमएलए। तो इस कारण से ये जो है ये अलग अलग प्रोविजन इसमें ऐड किए गए इस न्यू रूल के अंदर जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रैक्टिस से रिलेटेड है, कंपनी सेक्रेटेरिएट पोस्ट वर्क अकाउंटेंट्स ये सारी चीज़ें इसमें रिलेटेड है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कैरी करते हैं बेसिकली जो होता है कि उसके क्लाइंट के बेसिस पे कि क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, तो इस चीज़ में इसको पीएमएलए के अंदर में रख लिया गया। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है ये कंसिडर किया जाता है फॉर मॉनिटरिंग इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी इमोवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, और मैनेजिंग ऑफ क्लाइंट मनी, तो इस चीज़ को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर में रखा गया है। एंड सिक्योरिटीज और अदर एस्पेक्ट्स जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ बैंक सेविंग और सिक्योरिटीज अकाउंट, तो इस चीज़ में इसको इंक्लूड किया। इट आल्सो इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, यह भी ध्यान रखना है, जैसे कि फंक्शनिंग एज फॉर्मेशन एजेंट ऑफ कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो ये भी है कोई भी जैसे एजेंट और फॉर्मेशन
एजेंट हैं उसके फंक्शनिंग में पार्टिसिपेटेड हैं, तो उनको भी इस एम्बिट के अंदर रखा गया है। उनसे मतलब बेसिकली जांच पड़ताल या फिर उस पर जो भी एक्शन लेना है उस पर किया जा सकता है। एंड दी एक्टिंग एज अ डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी, उनको भी इसमें रखा गया है। एंड हु प्रोवाइडेड द कंपनी विद एन ऑफिस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो ये भी है। एंड एक्टिंग एज अ ट्रस्टीज ऑफ एक्सपर्ट ट्रस्ट और नॉमिनी स्टेक होल्डर्स, तो इन सारे चीज़ इसमें इंक्लूड किया गया है। हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीएमएलए एक्ट है क्या और इसमें क्या ये था। इट वॉज इनेक्टेड इन 2002, ठीक है। और इन द रिस्पॉन्स ऑफ द इंडियाज ग्लोबल कमिटमेंट, जिसमें कि वियना कन्वेंशन के बेसिस पे इसको इस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए ये लाया गया इंडिया के थ्रू 2002 में। और जो वियना कन्वेंशन में रखा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे कॉम्बेट किया जाए। इट इनेबल्स द अथॉरिटीज टू कन्फिस्केट प्रॉपर्टी एंड अर्न फ्रॉम इलीगली ग्रेंड प्रोसीड्स। अगर हम लोग बात करते हैं ईडी का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो ये एक तरह से फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड इन्फोर्स पीएमएलए। तो ये ज़्यादा है कि डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंदर आता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ग्लोबल न्यूक्लियर रेगुलेशन, ये है क्या, ये क्यों न्यूज़ में रहा, ये भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल न्यूक्लियर रेगुलेशन। तो ये न्यूज़ में इस कारण से रहा कि रिसेंटली रशिया का पार्लियामेंट जो है उन्होंने बिल पास किया, जिसमें कि जो सीटीबीटी जो है कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, उस पे रशिया का जो रेटिफिकेशन है उसको रिवोक करने के लिए ये पार्लियामेंट में बिल पास करते हैं। इस कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है। तो यहाँ पे है कि द पासेज ऑफ द बिल जो है ये विल मिरर द स्टैंड टेकन बाय द यूएस व्हिच हैज साइंड आउट बट नॉट रेटिफाइड दिस सीटीबीटी। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो रशिया के द्वारा जो स्टैंड लिया गया था, जो साइन किया गया था और लेकिन रेटिफाइड नहीं किया गया था, इसको लेकर के जो है एक मिरर दिखाएगा, ठीक है, एक शो करेगा अपना उसका क्या स्टैंड पॉइंट है। तो ये इसमें है। एंड जो अगर ये बिल पास होता है तो ये कंसर्न रेज करेगा कि रशिया जो है ये हो सकता है कि न्यूक्लियर टेस्ट को रिज्यूम कर दे, तो अपना एक तरह से प्रॉफिटेबल व्यू में जा रहा है। एंड द इंसिडेंट सेड लाइट्स ऑन न्यूक्लियर रेगुलेशंस एंड दियर इफिकेसी अरोज द ग्लोब, तो अक्रॉस द ग्लोब। तो वही है कि अभी एक तरह से पूरी तरह से सीटीबीटी पे है जो एक न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर के बैन का प्रोविजंस है, बट ये जो है एक तरह से कि ये पूरे विश्व में ऐसा है कि अगर ऐसा किया जाता है तो एक तरह से होता है कि अगर कोई भी इनिशिएट करता है इस चीज़ को तो और लोग इससे मोटिवेट होकर के और भी कंट्री इस चीज़ को करना चाहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जा रहा है इंटरनेशनल रेगुलेशन क्या है इस न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो सीटीबीटी जो है ये 1996 में आया था, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो ये प्रोहिबिट करता है कोई भी ऐसे न्यूक्लियर वेपन टेस्ट है जो कि एक्सप्लोजन और भी जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो हम लोग देखते हैं वर्ल्ड में वो उस पर प्रोहिबिट करने का काम करता है इस बैन ट्रीटी के अकॉर्डिंग। और अभी भी 8 नेशन ऐसे हैं जिन्होंने कि इसको रेटिफाइड नहीं किया है, ठीक है, जिसमें कि चाइना भी है, इंडिया तो है ही, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इसराइल, ईरान, इजिप्ट एंड यूनाइटेड स्टेट। बताइए इतने बड़े बड़े देश भी हैं जो इसमें इसको रेटिफाइड अभी तक से नहीं किए हैं, जिसमें कि अभी हम लोगों ने देखा यूएस का बात कर रहे थे, तो साइन तो कर दिया है बट रेटिफाइड अभी तक नहीं किया है। और ये जो आ जाते हैं कि इन्होंने रेटिफाइड नहीं किया, और कौन कौन है जो साइन किया है, ठीक है, साइन एंड रेटिफाइड, ठीक है। तो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी ये 1963 में आया, तो इसमें ये प्रोविजंस है कि जो बैनिंग न्यूक्लियर ट्रीटी टेस्ट है इन द एटमोसफियर, इट इज आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर। तो जो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये बताया जा रहा है कि जो बैनिंग न्यूक्लियर वेपन टेस्ट जो है, तो यहाँ पे इसमें है कि आउटर स्पेस और अंडर वाटर में किया गया है, इसमें बैन का प्रोविजंस है, और जो कि जिसमें कि साइन एंड रेटिफाइड भी किया गया है। फिर है नन प्रोलीफेरेशन ट्रीटी, ठीक है, NPT 1968 में लाया गया। तो ये लिमिट करता है स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन थ्रू द थ्री पिलर्स। तो इसमें तीन पिलर हैं, जैसे कि नन प्रोलीफेरेशन, डिसआर्ममेंट एंड द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसमें कुछ ऐसे कंट्री जो हैं जिन्होंने कि विथड्रॉ कर दिया गया था, कर दिया ये एनपीटी से, नन प्रोलीफेरेशन ट्रीटी से, जिसमें कि इंडिया है, साउथ सूडान है, इसराइल, पाकिस्तान एंड हैव नेवर बीन सिग्नेटरीज ऑफ दिस ट्रीटी, ठीक है। तो इन्होंने एनपीटी साइन नहीं किया, एंड जो नॉर्थ कोरिया है इन्होंने विथड्रॉ कर लिया 2003 में। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इज इंटरेस्टेड विद द की वेरिफिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर द ट्रीटी, तो इसमें इसका भी है रोल। एंड ये नॉट साइंड
दी ट्रीटी, तो इस तरह से है। अभी अभी ये साइन नहीं किया गया, ये जो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी है ये साइन एंड रेटिफाइड दोनों किया गया। ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ये रिसेंट का है 2017 का, तो इस पे देखते हैं। और ये जो है ये फर्स्ट लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब कौन सा ऐसा लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है ऑन द न्यूक्लियर ट्रीटी, तो ये है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, 2017। ये साइन नहीं किया गया है और ना ही रेटिफाई, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेपन्स अडॉप्टेड बाय द यूएन एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2021, इट साइंड बाय 91 स्टेट्स एंड रेटिफाइड बाय 68 स्टेट। कुछ और है मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम, ठीक है, MECR, तो वॉलेंटरली एंड बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज को प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि बाइंडिंग एंड वॉलेंट्री एग्रीमेंट है जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स को एंड टेक्नोलॉजीज को बेसिकली प्रिवेंट करता है, जो कि जो प्रोलीफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स एंड अदर वीपन्स है जो कि मास डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाता है, उसको रोकने के लिए ये लाया गया था। और ये इस ट्रीटी में बेसिकली इस रिजिम में मल्टी लेटरल एक्सपोर्टर कंट्रोल रिजिम में जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, ठीक है, तो एक सेकेंड, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है ये 1974 का, ये प्रिवेंट करता है एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, जो कि ये ग्रुप ऑफ 48 न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज है। तो यहाँ से ये हम लोग समझते हैं।